देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच कोई व्यक्ति भूखा न सोए, इसके लिए शासन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इतना ही नहीं, इस बीच कई सामाजिक संस्थाओं के लोग भी बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दिखाते हुए उन लोगों के बीच पहुंच रहे हैं जो इस दौर में अपने लिए दो वक्त की रोटी जुटा पाने में समर्थ नहीं है, और ऐसे लोगों को इन लोगों की तरफ से खाना मुहैया कराया जा रहा है ताकि वे लोग ऐसे वक्त में भूखे ना रह सकें। इसी फहरिस्त में राजधानी दिल्ली की पुलिस भी पीछे नहीं है। ये नज़ारा है दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र का, जहां दिल्ली पुलिस के जवान कुछ आम लोगों की मदद से ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचकर खाना मुहैया करा रहे हैं। दरअसल ये लोग दिव्यांग हैं और ये लोग देख नहीं सकते, लिहाजा इस लॉकडाउन की स्थिति में ये लोग अपने लिए दो वक्त की रोटी जुटा पाने में असमर्थ हैं, और इसी स्थिति को देखते हुए इनके लिए देवदूत बनी दिल्ली पुलिस मानवता की मिसाल पेश कर रही है। एक्चुअली सर जी, ये तो सर मुझे पता नहीं, मुझे मैं इतना जानता हूँ कि ये खाना जो है थाने से आता है जी, और मेरे पास ये यहाँ पर कोई योगेश जी हैं। अच्छा, तो उनकी मेरे पास डिटेल लगी हुई है। अच्छा ठीक है, तो दोनों टाइम आपको खाना मिलता है? हाँ, हमको सर दोनों टाइम खाना मिलता है। खाना कैसा होता है, संतुष्ट है आप इस खाने से? सर जी, इस वक्त देश के अंदर कोरोना का ज्यादा जोर चल रहा है और सभी परेशान है, तो इसलिए हमारे एसएचओ साहब के पास जो फोन आते हैं और संदीप सर के यहाँ जो भी कॉलिंग आती है, तो हम अंधे और ब्लाइंडों के लिए खाना जहाँ जहाँ हमें सूचना मिलती है उनके माध्यम से हम खाना पहुँचाते हैं। हम अपने ग्रुप के ऑटो स्टैंड TSR चलाने वाले हैं सारे, और जो 100-200 का पर डे खाने में शेयर होता है, हम अपनी तरफ से हम किसी से चंदा नहीं करते। हम जितने भी ऑटो स्टैंड के हैं, हम अपनी तरफ से इसमें पुराने मच्छी चौक से जो भी सहयोग होता है अपने ऑटो स्टैंड की तरफ से, सारा हम ये कर रहे हैं। ऐसे में अब जरूरत है कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में हर कोई एकजुटता दिखाए और लॉकडाउन का जिम्मेदारी के साथ पालन करे, ताकि इस वैश्विक महामारी को हराया जा सके। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन TV। देश भर में लागू किया गया 21 दिन का लॉकडाउन अभी भी जारी है, और ये लॉकडाउन खास तौर पर गरीब और मजदूर तबकों के लिए काफ़ी दिक्कतों को लेके आई है, और उसमें भी ऐसी दिक्कत जो इनके लिए खाने की बहुत बड़ी समस्या लेकर आ रही है। ऐसे में शासन और प्रशासन इन तक खाना पहुंचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास में लगी हुई है। इस बीच कई सामाजिक संस्थाओं के लोग भी इन तक पहुंच रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसमें अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग झुग्गी बस्ती में पहुंच रहे हैं और उन लोगों को काफ़ी मदद कर रहे हैं जो लोग ऐसे समय में अपने लिए खाना जुटा पाने में समर्थ नहीं है। जो गरीब और मजदूर तबके के लोग हैं, उनके लिए इस समय काफ़ी दिक्कतें हैं, और इन लोगों के लिए ये सामाजिक संस्थाओं के कुछ लोग आगे निकल करके आए हैं ताकि ये लोग अपने लिए खाना जुटा पाएँ। इस खबर पर हमें अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुट रहे हैं हमारे दिल्ली से संवाददाता अनुज झा। अनुज, जैसे कि ये देश भर में पीएम मोदी की अपील पर 21 दिन का लॉकडाउन किया हुआ है, ऐसी स्थिति में जो गरीब तबके के मजदूर तबके के लोग हैं जो एक वक्त का खाना जुटा पाने में इस समय की स्थिति में नहीं है, क्या माहौल है, किस तरीके से लोग उनके लिए मदद के लिए आगे आ रहे हैं? एक्चुअल क्या है कि वैसे तो आपकी जो दिल्ली गवर्नमेंट है और जो हमारी केंद्रीय सरकार है, आपके जो काउंसलर्स हैं, ये मतलब ये सभी अपने अपने फंड से क्या इस मुहिम के अंदर लगे हुए हैं और मतलब लोगों तक खाना पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही आपका जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी एक मतलब एक ऐसा रवैया नजर आ रहा है कि पुलिस प्रशासन भी जगह जगह पर लोगों को खाना अपनी तरफ से अवेलेबल करवा रही है, लेकिन कि समस्या इतनी बड़ी है कि जो आम लोग हैं, आम लोगों को भी इसके अंदर मजबूरन अपने घर से बाहर निकलना पड़ा कि ताकि कोई भी बंदा जो है वो भूखा ना सोए। तो आम लोगों की का भी जो की जो भी अवेयरनेस है इसके अंदर में बहुत लास्ट स्केल पे नजर आ रही है आपकी। जी अनु, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गरीब तबके के मजदूर तबके के लोग हैं उनके घर पर खुद लोग खाना देने जा रहे हैं और उनको जागरूक भी कर रहे हैं ताकि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को समझे और इस लॉकडाउन का पालन करें, इस पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है?
कहीं ना कहीं इस कोविड 19 के जो आपका है, जो ये आपका कोरोना, जो ये महामारी है, इसके ऊपर में लोग एकजुट होते हुए इस महामारी से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां किसी कौम, किसी मजहब, किसी धर्म, किसी जात की बातचीत नहीं हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, लोगों का एकजुट होना अच्छा है। और अगर लोग इसी तरह एकजुट हो करके इस चीजों को फॉलो करेंगे कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना और लोगों को खाना पहुंचता रहेगा, तो बहुत ही जल्द हम किस महामारी से भी निजात पा लेंगे, ऐसा लगता है हमें। जिस तरह से मुझे अभी आपने बात कही कि दिल्ली सरकार की तरफ से भी इस तरह के काम किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से भी, लेकिन बावजूद उसके आम लोगों को आगे आकर आना पड़ रहा है इस मुहिम में, तो क्या ये दिल्ली सरकार, इसमें सरकार का फेल्यूर कहा जाए या फिर क्या इसमें कहा जाए? इसको हम सरकार का फेलियर भी नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार के पास भी पूरा डाटा नहीं है कि दिल्ली के अंदर कितने लोग रहते हैं, और सरकार भी लगातार अपनी कोशिश में लगी हुई है कि हर बंदे के पास में खाना पहुंचे। इसी के चलते सरकार ने अभी एक नई मुहिम और चालू की है कि बहुत सारे लोगों के पास जहां राशन कार्ड नहीं है, तो आधार कार्ड के ऊपर भी, न्यू राशन कार्ड की सिर्फ पर्ची के ऊपर ही उन्हें प्रति व्यक्ति 7 किलो अनाज दिया जाएगा। तो कहीं दिल्ली सरकार भी लगातार कोशिश में लगी हुई है, और लगता है कि आने वाले समय में क्या बोलते हैं, ये जो समस्या है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। मतलब कुल मिलाकर के एक तरफ सरकार भी काम कर रही है और एक आम आदमी, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग, प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरा का पूरा एकजुट हो गया है और लोग इस पूरी मुहिम में लगे हुए हैं। चलिए अनुज जी, मैं चाहूंगा कि आप इस पूरे खबर में आप नजर बनाए रखिएगा, हम समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ये थे हमारे दिल्ली से संवाददाता जो कोरोना से जुड़ी पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लिहाजा ऐसे समय में हम भी आप सब से यही अपील करते हैं कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें।